नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ पैथ। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। सो कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी तक दुनिया भर के लोगों पर मंडरा रहा है। और अब एक नई रिसर्च में ये सामने आया है कि साउथ एशियन लोगों में एक ऐसा जीन होता है जो फेफड़े के खराब होने और कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति में खतरे को काफी देता है। और इस जीन की वजह से साउथ एशियन लोगों में कोरोना संक्रमण से मौत की दर में इजाफा होता है, यानी वो ज्यादा खतरनाक भी होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए इस रिसर्च में दक्षिण एशियन लोगों को कोविड-19 से अतिरिक्त सतर्क होने के लिए वार्निंग भी दी गई है। सो LZTFL1 जीन वायरल इन्फेक्शन होने पर फेफड़ों की जवाबी क्षमता में बदलाव कर देता है, जहां एक्सपर्ट्स का कहना है और मानना है कि अब तक हुई रिसर्च में ये सबसे महत्वपूर्ण जेनेटिक रिस्क फैक्टर है। वही रिसर्च के दौरान पाया गया है कि LZTFL1 जीन 60% साउथ एशियन, इंक्लूडिंग द नेशंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स लोगों में ही पाया जाता है। वही यूरोपियन देशों में ये सिर्फ 15% लोगों में पाया जाता है। चाहे ये रिसर्च पेपर भारतीय सब कॉन्टिनेंट में कोरोना के प्रभाव की एक्सप्लेनेशन भी कर सकती है। वही रिसर्च में पाया गया है कि ये जीन प्रमुख प्रोटेक्टिव तंत्र विच इज देयर इन आवर बॉडी को ब्लॉक करता है, और इससे फेफड़े यानी लंग्स अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे सेल्स कमजोर हो जाते हैं और कोरोना वायरस हमारे शरीर पर आसानी से हमला भी कर देता है। तो जिन लोगों में LZTFL1 जीन पाया जाता है, उन्हें कोरोना संक्रमण एंटीपेस्पिरेंट टीका यानी वैक्सीन से काफी लाभ पहुंचता है। और ऐसे लोग अगर कोरोना वैक्सीन लेते हैं तो वे गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। जी हाँ, साथ ही मौत का जोखिम भी काफी कम हो जाता है। ऐसे में दक्षिण एशियन लोगों को कोरोना वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी यूरोपियन देशों में कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, एंड दैट इज अ फैक्ट। वहां कोरोना संक्रमण काफी जानलेवा साबित भी हो रहा है। वहीं भारत जैसे एशियन कंट्रीज में कोरोना अभी काबू में है और वैसे ही नजर आ रहा है। यह हालात काफी तेजी से सुधर भी रहे हैं। क्या इंडिया में जब इतनी दिल दहलाने वाली सेकेंड वेव आई थी, क्या उसका इतना एडवर्स इफेक्ट वो इस जीन की वजह से ही था? वेल, दिस फैक्टर शुड डेफिनेटली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन राइट नाउ, एंड वी होप दैट दिस रिसर्च इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू द एक्सपर्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP Health.